इंसान आदतों का पुतला होता है। किसी को स्टडी करने की आदत होती है तो किसी को टीवी देखने की, किसी को इंटरनेट पर समय बिताने की आदत होती है तो किसी को सिर्फ खाने की। ऐसे ही कई आदतों से इंसान जुड़ा हुआ है। ऐसे ही स्मार्ट और जीनियस इंसानों की कुछ आदतें होती हैं जिससे हम उन जीनियस लोगों को पहचान सकते हैं। क्या आप में भी जीनियस लोगों की आदतें मौजूद है? क्या आप भी एक जीनियस हो? ये सब जानने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ओनली फैट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक स्टडी के अनुसार पता चला है कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्पष्ट होते हैं, मतलब जो लोग मुँहफट होते हैं, किसी को भी किसी भी बात को बोल देते हैं, वो लोग जीनियस होते हैं। क्योंकि किसी भी टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के लिए आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी ज़रूरी होती है, और वोकैबुलरी का अच्छा होना जीनियस होने का एक साइन होता है। इफ़ यू आर मेसी, द यूनिवर्सिटी ऑफ मिनिसोटा की एक रिसर्च टीम ने स्टूडेंट्स के दो ग्रुप को एक चैलेंज दिया। एक ग्रुप को साफ वातावरण दिया गया तो दूसरे ग्रुप को कबाड़ भरे रूम में भेजा गया। कुछ देर बाद कबाड़ वाले रूम में गया ग्रुप वापस आया तो वो साफ वाले रूम में गए ग्रुप के मुकाबले बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ वापस आया। इससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि मेसी यानी कबाड़ भरे वातावरण जीनियस लोगों के लिए अनुकूल होता है। अगर आप आवाज़ के प्रति सेंसिटिव हो, दुनिया भर के 20% से ज़्यादा लोगों को कई तरह की आवाज़ें सुनना पसंद नहीं होता। इसे मिसोफोनिया कहा जाता है और इसका सीधा संबंध हमारी क्रिएटिविटी से जुड़ा होता है। अगर आपका कोई दोस्त, साथी या कलीग साथ में खाना खाते वक्त आपसे ज़्यादा आवाज़ करता है तो इसका मतलब है कि आप उससे ज़्यादा स्मार्ट हो। स्मार्ट लोग ज़्यादा आवाज़ पसंद नहीं करते। अगर आप अपने आप से बातें करते हो, इलाइट डेली की एक रिसर्च टीम ने रिसर्च करके कुछ ऐसा निष्कर्ष निकाला कि जो लोग अपने आप से बातें करते हैं उनका दिमाग औरों से ज़्यादा इफ़िशियंटली काम करता है, क्योंकि ऐसे लोग खुद को औरों से ज़्यादा पहचानते हैं और खुद के ही दोस्त बन जाते हैं और कठिन समय आने पर अपने आप को प्रेरित करते रहते हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी से एडिक्टेड हो, खुद को टेक्नोलॉजी के भरोसे छोड़ देना काफ़ी डिस्करेजिंग होता है। ये हमारा ध्यान खींच लेता है और हमें डिस्ट्रैक्ट कर देता है। पर एक रिसर्च बताती है कि टेक्नोलॉजी की वजह से स्टूडेंट मल्टीटास्कर बन जाते हैं। अपनी प्रायोरिटी तय करने में उन्हें आसानी हो जाती है। टेक्नोलॉजी की वजह से ज़्यादा नॉलेज उन्हें मिलती है। इसी वजह से वो किसी भी चीज़ के ज़्यादा से ज़्यादा पहलुओं पर ध्यान दे पाते हैं। अगर आप एक नाइट आउल हो, अगर आप अपने ज़्यादातर काम रात के समय करते हो तो ये एक जीनियस होने का साइन होता है, क्योंकि रात को ज़्यादा शांति होने के कारण आप अपने काम पर ज़्यादा फोकस कर पाते हैं और वो काम सही मायने में अच्छी तरह से पूरा कर पाते हैं। अगर आप हर वक्त रोते रहते हो, एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स कई बार रोते हुए नज़र आए हैं। वो आंसू दुख के हो या सुख के, रोने की प्रक्रिया हमारे तनाव के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स को निकाल देती है और हमें मानसिक तौर पर स्ट्रोंग और जीनियस बना देती है। तो ये आज की कुछ अच्छी आदतें थी। अगर इन आदतों में से कोई भी आदत आपके अंदर है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आपको आज की वीडियो हमें कैसी लगी ये भी आप कमेंट हमें करके बता सकते हैं। अधिक से अधिक वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।